तो ब्रेन को बैलेंस करने के लिए काली फॉस 30 CH पोटेंसी में काली फॉस जो है वो मेंटल डिसीजेस के लिए, मानसिक बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। खासकर अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, बहुत ज़्यादा चिंतित हो, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया हो, बहुत ज़्यादा वो हर चीज़ के बारे में सोचता हो, थॉट प्रोसेस बहुत तेज़ हो गई है उसकी और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं डिप्रेशन के कारण, जो वो सोच रहा है और बार बार उठपटांग जो थॉट्स चलते रहते हैं उसके कारण और चिड़चिड़ेपन के कारण मेमोरी लॉस हो जाती है, मतलब उसकी स्मरण शक्ति कम हो जाती है। तो काली फॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मेंटली, मानसिक तौर पे वो इतना ज़्यादा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ना वो अच्छे से पढ़ पाता है, ना कोई वो काम अच्छे से कर पाता है, क्योंकि मानसिक तौर पे वो थोड़ा सा थका हुआ सा रहता है, इसलिए वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता। थोड़ी सी भी चीज़ करने में बहुत जल्दी थक जाता है मानसिक तौर पे। तो काली फॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये थकान सिर्फ मानसिक तौर पे नहीं होती, ये वीकनेस जो है वो शारीरिक भी साथ साथ होती है, और काली फॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ऐसे व्यक्तियों के लिए। दोस्तों, आजकल इतना ज़्यादा मेंटल टेंशन होता है, इतना ज़्यादा मानसिक तनाव होता है, बिज़नेस का हो गया, पढ़ाई का, स्टडी का हो गया, ऑफिस जाते हैं, वहाँ जो आपको वर्क दिया जाता है उसका मानसिक तनाव होता है, उसके कारण धीरे धीरे मेमोरी लॉस होने लगे। तो काली फॉस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप बीमारी मेंटल डिसीजेस के बारे में आप बात करते हैं तो डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, और साथ ही साथ मेमोरी लॉस के लिए, और साथ ही साथ अगर नर्वस डिसऑर्डर है जैसे कि एल्जाइमस डिसीज़ है या पार्किंसन डिसीज़ है, जहाँ पर नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, हमारा ब्रेन मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है, वहाँ पर काली फॉस ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और काली फॉस आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें, पिक्चर तो आपको तब से ही दिख रही है। तो काली फॉस 30 CH पोटेंसी में आप 2 बूंद सुबह पिए, 2 बूंद दोपहर में पिए, 2 बूंद रात में पिए। शुरुआती 10-12 दिन में आपको दिखने लगेगा, आपकी चिंता कम होने लगेगी, एंजाइटी कम होगी, साथ ही साथ डिप्रेशन कम होगा, साथ ही साथ मेमोरी लॉस जो हो रहा है वो ठीक होगा, और जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा धीमा पड़ जाएगा, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा जो थॉट्स उटपटांग थॉट्स आ रहे हैं वो सब नहीं आएंगे, जिसके कारण आपका दिमाग जो है वो ब्रेन जो है बैलेंस हो जाएगा। तो ब्रेन को बैलेंस करने के लिए काली फॉस 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह पिए, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात में। शुरुआती 10 दिन में आपको बहुत आराम लगेगा। मेडिसिन ये लगभग 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू करिएगा। काली फॉस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये थी काली फॉस, जो कि ब्रेन के लिए, आपके मस्तिष्क के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है।